नमस्कार, गोल्ड स्पॉट पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। अमेरिका में नॉमिनी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन बड़े राहत पैकेज के पक्ष में है, जिससे कीमतों में तेजी है। बाजार की नजर आज जो बाइडेन के शपथ ग्रहण पर भी है। ऐसे में अब सोने चांदी में क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस पर करेंगे आज बात गोल्ड स्पॉट में। साथ ही हाजिर बाजार में कितनी हलचल है समझेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके, मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और लालजी किशोर ज्वेलर की तान्या रस्तोगी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। तान्या, पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के मूव्स यहाँ पर फिलहाल फिजिकल मार्केट्स में हैं। जिन भी ज्वेलर से देश भर में हमारी बात हो रही है, उनका यही कहना है कि पिकअप फिर से अब यहाँ पर देखने को मिला है। मिड जैन के बाद हमने डिमांड फिर से बनते हुए देखी है। आप कैसे देखती हैं मांग को, प्राइस इम्पैक्ट को कंज्यूमर्स के साथ, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अब इस बार बजट से? तो इस बड़ी अगर आप देखें तो राइट नाउ अभी खड़मास खत्म हुए, चार या पांच दिन हुए हैं, तो चार पांच दिन में जो पिकअप होना चाहिए इट्स अ वेरी गुड पिकअप। शादी की बाइंग वापस आ गई है, बट दैट इज एन एसेंशियल बाइंग जो खरीदनी ही है। बट आई विल स्टिल से कि जो इन्वेस्टर का जो अभी एक्सपेक्टेशन है, वे आर स्टिल बीइंग वॉचफुल एंड वेटिंग, वो अभी उतना नहीं आया है। ऑल्सो अगर आप प्राइस एक्सपेक्टेशन का बात करें तो मनीषा, आई वुड लाइक टू यू नो प्रोजेक्शन की अगर बात करें, जैसे ऑलरेडी येलन ने जो राहत पैकेज दिया है, जो है थोड़ा सा डिबेट तो होगा ही उनका करेंसी, तो गोल्ड में उसका गेन आएगा ही आएगा। अगर आप बाकी एग्जाम्पल से भी देखें, जैसे 2018 में जो खत्म होते होते दिसंबर जनवरी में जो 29,000 के पास था, जनवरी 2019 में अपना 32 तक पकड़ा, वही वो उस जनवरी का जो भाव होता है वो उस साल का सबसे लेस भाव होता है, वो उसके ऊपर बढ़ता ही है। फिर अगर आप 2020 का भी देखें, वही सेम चीज कि जनवरी में आते आते 40,000 पकड़ चुका था 2020 में, एंड देन ऑफ दैट ईयर इट वॉज द लोएस्ट भाव। तो सेम थिंग आई एम थिंकिंग कि इवन दिस ईयर राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ अभी रिस्पॉन्ड नहीं अच्छा करेगा गोल्ड, बिकॉज ऑफ द वैक्सीन ड्राइव वो कम हो सकता है, 1,000 रुपए तक और कम जाए, लेकिन आफ्टर मार्च अभी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन तो गोल्ड का अच्छा है ही, स्पेशली विद द काइंड ऑफ पैकेजेस यूएस इज ट्राइंग टू यू नो वो करेंसी इंजेक्ट जो करना चाह रहे हैं, तो वो फ्लैट करेंसी आर डेफिनेटली गेटिंग ओवर डिबेट, तो वो गेन गोल्ड में आना ही आना है। ऑल्सो आई लाइक टू से कि सूनर और लेटर ये जो बिटकॉइन का इतना गेन लिया हुआ है, लाइक हाउ शिफ्ट सेड रिसेंटली कि जो शिफ्ट सेड कि इट्स अ फूल्स मैन गोल्ड, तो उसका भी जब भी कोलैप्स आएगा, अभी इट्स इन अ बबल राइट नाउ द काइंड ऑफ गेन इट हैज सीन इन 2020, तो उसका भी जब भी पंचर आएगा वो भी हमारे गोल्ड में इस साल गेन में ऐड होएगा। तो प्राइस एक्सपेक्टेशन आफ्टर मार्च इज वेरी वेरी गुड, बट स्टिल अनदर कपल ऑफ मंथ टिल द वैक्सीन इज देयर, आई थिंक एक बार और हम लोग थोड़ा और देखेंगे। एक्चुअली आपका लगा तो लोगों का यही मानना है कि अगले 2 महीने में यहाँ पर उठापटक सोने में जारी रह सकती है और उसके बाद यहाँ पर एक लेग ऑफ रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिल पाएगी। तान्या, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश कर रही थी कि बजट से यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट इम्पोर्ट ड्यूटी कट्स अभी भी यहाँ पर है, आप क्या मानना चाहेंगे वित्त मंत्री से? नहीं, डेफिनेटली इम्पोर्ट ड्यूटी शुड बी कट, बहुत ज्यादा हाई एक्सट्रीम है हमारी, इट हैज यू ऑल बीन सीन इन द न्यूज आपके चैनल के माध्यम से, आई लाइक टू से एंड इट्स नॉट एज गवर्नमेंट इज नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्डिंग वेल, एक्सपोर्ट पॉलिसीज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, इवन स्मॉल टर्म पेमेंट जो हमें अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ उसमें, तो हमें अच्छा इजाफा दे रहे हैं, बहुत ईज ऑफ बिजनेस दे रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। बट हम कहना चाहेंगे कि विद इन इंडस्ट्रियल विद इन द कंट्री ऑल्सो प्लीज दे, जो आप सुन रहे हैं जो रॉन्ग मीन से सोना इंजेक्ट हो रहा है, वो पैरेलल इकोनॉमी को बढ़ावा ना दे, उसके लिए इकोनॉमी एक बारी उनको इंपोर्ट ड्यूटी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशंस ऑन द बजट दिस रिजल्ट। यहाँ टॉप पास यही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी को यहाँ पर कमी की जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कंपटीशन में सोना यहाँ पर भारतीय बाजारों में महंगा है, तो एनआरआईज भी यहाँ पर कतराने लगे हैं लेने से, और ऑफ कोर्स इन अनऑफिशियल सोना यहाँ पर भारतीय बाजारों में काफी आने लगा है, तो वो क्लियरली एक टॉप आस्क है फाइनेंस मिनिस्टर से कि इम्पोर्ट ड्यूटी पर यहाँ पर कमी की जाए। लेकिन सोने और चांदी के प्राइसेस में हमने हल्की सी खरीदारी आज यहाँ पर लौटते हुए देखी है। सुनील, आप कैसे देखते हैं और गोल्ड में अब इस हफ्ते क्या करने की उम्मीद है? मनीषा जी, मुझे लगता है कि डॉलर टर्म में 1850-51 डॉलर का रेंज अभी चल रहा है। 2-4 दिन पहले हमने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में 1805 डॉलर तक का भी लो बनाया है, तो जब ये स्टिमुलस पैकेज या राहत पैकेज की बात आई तो मार्केट ने रिबाउंड कर लिया,
इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बहुत वीकन हो गया है अभी, तो उसका सपोर्ट जो है गोल्ड में अभी देखने को मिल रहा है। बट टेक्निकल फ्रंट पे अगर हम देखते हैं, भले ही बॉन्ड डील्स में बेहतरी है या वैक्सीन ड्राइव की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, बट टेक्निकल फ्रंट पे अगर हम देखें तो 1860 डॉलर का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर 1860 डॉलर के ऊपर सर्वाइव कर जाता है तो एक बुल ट्रेंड बनाता है, फिर एक शॉर्ट टर्म रिकवरी 1900 डॉलर तक देखने को मिल सकता है गोल्ड में। और चांदी भी 25 डॉलर के ऊपर के रेंज में जब तक है तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट मिलेगा। बट अगर छोटे दायरे में अगर देखें, एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो रियल यील्ड्स है वो हमें बहुत क्लोजली ट्रैक करने रहेंगे, क्योंकि उनमें इजाफा जो है गोल्ड में एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन ला सकता है। तो मेरा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो रहेगा, जैसे एक या दो दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए जो मेरा व्यू रहेगा, वो थोड़ा बियरिश रहेगा, क्योंकि जो स्टिमुलस पैकेज का जो न्यूज है वो डिस्काउंटेड है, ऑलरेडी 40 डॉलर लोस से बढ़ चुका है। जो बॉन्ड डील्स में इंप्रूवमेंट है यूएस में, उसका जो सेल ऑफ इफेक्ट जो है गोल्ड में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है 47,500 तक का एक लेवल छूना चाहिए एक आध हफ्ते में, और मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी इसलिए रेकमेंड करूंगा, 49,200 का रेंज एक ठीक ठाक इंट्राडे लेवल है सेलिंग के लिए, 49,400 का स्टॉप लॉस लगा के 48,600 आज का टारगेट किया जा सकता है। चलिए फिलहाल 49,000 के ऊपर है, लेकिन 48,600 तक के लेवल्स यहाँ पर सोने में देखने को मिल सकते हैं, तो वही राय आ रही है कि कुछ मुनाफा वसूली सोने में जारी रह सकती है। जयप्रकाश, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को? जैसे सुनील ने कहा, 25 डॉलर एक स्ट्रांग सपोर्ट के हिसाब से है, लेकिन इंट्राडे में या फिर इस हफ्ते की बात अगर की जाए तो क्या रेंज रहेगी? जी मनीषा, मुझे लगता है गोल्ड के साथ साथ मैं चांदी में भी बुलिश हूँ। आज देखते हैं कि जब न्यू प्रेसिडेंट बाइडेन रिज्यूम करने के बाद क्या पॉलिसीज में यहाँ पे बदलाव या अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेगा, और जिस हिसाब से जैनेट येलन का भी बयान है कि शी वांट्स डॉलर क्या जो प्राइस है दैट शुड बी मार्केट डिटरमाइंड, तो आगे चल के देखिए जिस हिसाब से स्टिमुलस पैकेज दिया गया है उस हिसाब से यूएस इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट वाइडन होगा, जिससे डॉलर पे प्रेशर पड़ेगा और बुलियंस पे एक तेजी रहेगी। तो मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही मेरा बुलिश व्यू है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हो सकता है वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिले, लेकिन सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। प्योरली इंट्राडे या एक दिन के पर्सपेक्टिव से बात किया जाए तो आई थिंक 66,000 के आसपास मेरे ख्याल से सिल्वर बाई किया जा सकता है। 66,500 का एक स्टॉप लॉस रखें, 67,200 से 67,500 का लेवल पॉसिबल है। ऑलराइट, डिप्स पे खरीदारी की राय यहाँ पर चांदी में, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि अगला कुछ समय यहाँ पर वॉलेटाइल हो सकता है, चॉपी मूव्स अगले आने वाले एक हफ्ते एक महीने में भी शायद देखने को मिल पाएंगे। तो ये तो बात हुई गोल्ड स्पॉट की, जहां पर हमने आपको बजट एक्सपेक्टेशंस, प्राइस व्यूज और फिजिकल बाजार में क्या हाल है वो बताया। तान्या, इसी के साथ आपसे विदा लेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे गोल्ड स्पॉट से और अब बात यहां पर कच्चे तेल की करेंगे, जहां आज कीमतों में तेजी देखने को मिली है, करीबन 1% की बढ़त है, और ये अमेरिका में राहत पैकेज की उम्मीद से डिमांड बढ़ने की संभावना से है। एक्चुअली आईईए का भी डेटा कल आया जिन्होंने कहा है कि 100 मिलियन बैरल्स की विड्रॉ इस क्वार्टर में हम बनता हुआ देख पाएंगे, और सेकेंड हाफ जो है इस साल का डिमांड रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअली कुछ बैंक्स ने तो ये भी कहा है कि डेफिसिट की उम्मीद भी की जा सकती है सेकेंड हाफ में, अगर वैक्सीन रोल आउट और डिमांड रिकवरी स्मूथ देखने को मिलते हैं। तो जय, कैसे देखते हैं आप इन स्टेटमेंट्स को और आगे प्राइस व्यू क्या है? अरे आपके शो पे पहले भी बात हुई थी, मैं क्रूड ऑयल पे बुलिश हूँ 2021 में। हम लोगों ने बहुत इवेंटफुल 2020 देखा जिसमें फ्यूचर्स में नेगेटिव प्राइसिंग भी देखने को मिला था, बट मुझे लगता है यहाँ पे जिस हिसाब से डिमांड में ग्रोथ दिखेगी एक बार वैक्सीन कंप्लीटली रोल आउट के बाद, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 60 डॉलर्स तक का लेवल पॉसिबल है WTI में देखने को मिले, तो मैं हर डिप पे बाइंग की ही रिकमेंडेशन दूंगा। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो करेंट कॉन्ट्रैक्ट में आई थिंक 3860 के आसपास मिलता है, तो बाई करके चलना चाहिए। थोड़ा सा अगर पोजिशनल व्यू रखें तो 3780 का स्टिक स्टॉप लॉस रखें और 4100 का टारगेट। क्या करने की राय है, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली यहां पर कल देर रात न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिली है, दो महीने के लो के लोज के आसपास किस तरह हमने फिर से छूते हुए देखे? सुनील, आपको आवाज आ रही है? मनीषा जी, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। सुनील, मैं आपसे नेचुरल गैस पर राय लेने की कोशिश कर रही थी, जहां पर कल न्यूयॉर्क सेशन में हमने दो महीने के लोज होते हुए देखे हैं, यहां पर एक नियर टर्म रेंज अब क्या बनेगी?
जी मुझे लगता है नेचुरल गैस के प्राइसेस में, क्योंकि ये टोटली वेदर डिपेंडेंट कमोडिटी है, अभी 125 के रेंज में चल रहा है, आज भी 2.5 रुपया डाउन है मार्केट में, और हमने रिसेंटली देखा है तकरीबन 20 रुपए का करेक्शन हुआ है, 205 का एक रेजिस्टेंस उसने छुआ था रिसेंटली, बट आने वाले समय में थोड़ा वेदर में नॉर्मैलिटी एक्सपेक्टेड है यूएस में, तो उस वजह से डिमांड में थोड़े कंसर्न है, इवन इन्वेंट्रीज भी ठीक ठाक है इस बार, तो मुझे लगता है ये नियर टर्म सपोर्ट के रेंज में आ चुका है, 180 का एक नियर टर्म सपोर्ट है डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखते हैं तो आने वाले समय में 4 या 5 रुपए के लिए अगर बेचना है तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से भी बेच के चल सकते हैं, बट 180 का एक बेस बनता है और पोजिशनली अगर वहां से एक व्यू लेना है तो मुझे लगता है कि 180 का एक डिसेंट बाइंग सपोर्ट बन सकता है, फिर से ये प्राइसेस जो है 190 और 195 के रेंज में देखने को मिल सकता है, बट करंट लेवल से मैं रिकमेंड करूंगा कि और 4 या 5 रुपए का जो है मंदा मार्केट देखने को मिल सकता है, तो 185 में सेल इनिशिएट कर सकता है, 188 का स्टॉप लॉस लगा के 180 का एक टारगेट लेके चल सकता है। ऑलराइट, बाद हम यहाँ पर मेटल्स की करेंगे जहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, और पिछले कुछ दिनों में हमने रेजिस्टेंस लेवल्स या रेजिस्टेंस भी मेटल्स में आता हुआ देखा है, नए हाईज यहाँ पर नहीं बने हैं, दायरे में कारोबार है और ऊपरी स्तरों से लगातार मुनाफा वसूली भी है और आज का भी दिन काफी हद तक ऐसा ही है। जय, कैसे देखेंगे आप मेटल्स को और एक नियर टर्म ट्रेंड या रेंज क्या उभरती हुई नजर आती है? देखिए मनीषा जी, जैसा लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, यहाँ पे जो डिमांड के रिकवरी के चांसेस जो हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, यहाँ पे अब फर्दर मूव के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो नया स्टिमुलस पैकेज यूएस से आता है वो उसका इम्पैक्ट कितना रहता है प्राइसेस में, लेकिन फंडामेंटल से काफी दूर है अगर आप प्राइसेस को देखें तो, मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल में नहीं है लॉन्ग साइड का, कोई अगर लॉन्ग साइड पोजीशन कैरी कर रहा है तो एक स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशंस पे बने रहें, फ्रेश पोजीशन ऐड करना इस लेवल पे मुझे लगता है रिस्की है, आप स्टिमुलस के अनाउंसमेंट्स के बाद ही एक अंडरस्टैंडिंग लेके कि यहाँ पे और कितना अपसाइड दिखता है फिर ही कोई पोजीशन बनाना चाहिए। जो रिमेनिंग या जो एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर मेटल्स में आते हुए देखी भी है, लेकिन जैसे जय कह रहे हैं कि अब यहाँ से फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हैं, स्पेशली यूएस की तरफ से स्टिमुलस और नए प्रेसिडेंट आके क्या अनाउंसमेंट्स करते हैं उस पर ऑफकोर्स काफी हद तक बाजार की नजर रहेगी। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा पॉज स्टेज में यहाँ पर बेस मेटल्स नजर आते हैं, लेकिन इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, तेल तिलहन पर होगी एक स्पेशल कॉन्वर्सेशन। विदेशी बाजारों से कमजोरी का असर घरेलू कीमतों पर भी है, लेकिन जल्द ही आम बजट पेश होने वाला है और तेल तिलहन सेक्टर को भी वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। हमसे बात करने के लिए एससीए के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अतुल जी नमस्कार, सभी सेक्टर्स को उम्मीदें हैं फाइनेंस मिनिस्टर से, लेकिन अगर आपको तीन विशेष यहां पर अगर फाइनेंस मिनिस्टर को प्रेजेंट करनी हो तो वो इन प्रायोरिटी कौन सी होंगी? शुक्रिया मनीषा जी, पहली हमारी प्रायोरिटी तो होगी कि 60s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन ने हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी दी, हम लोगों की ख्वाहिश है और दिली ख्वाहिश है कि ये सरकार येलो रेवोल्यूशन लाए और ऑयल सीड का जो कल्टीवेशन पिछले 20 सालों से बिल्कुल स्टैटिक हो गया या स्टैग्नेंट हो गया है उसमें थोड़ा बल मिले और इंडिया की एडिबल ऑयल सिक्योरिटी सिक्योरिटाइज हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों की ये दिली इच्छा है कि ये गवर्नमेंट कुछ न कुछ ऑयल सीड प्रोडक्शन के ऊपर एक्शन ले और जो बहुत दिनों से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स या ऑयल सीड जो मैं समझता हूं अलमारियों में जंग खा रहा है या धूल खा रहा है उसको रिसरेक्ट करना चाहिए और हिंदुस्तान में ऑयल सीड का डेवलपमेंट मिशन मोड पे लेना चाहिए विद एडिक्वेट फंडिंग। अगर आपने अनाउंस भी कर दिया और फंडिंग नहीं की तो कोई खास उसका इंपैक्ट नहीं होगा। दूसरा हम लोगों की खास ख्वाहिश ये है कि पंजाब और हरियाणा ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फोरफ्रंट पर रहे
मेरा तो ये मानना है कि वो येलो रेवोल्यूशन के भी फोरफ्रंट पर रह सकते हैं और उनको पूरा एनकरेजमेंट देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि वो लैंड को डाइवर्ट करें मस्टर्ड इन रबी और मक्का इन खरीफ। तो अगर 50% भी लैंड डाइवर्ट हुआ तो ये एक गेम चेंजिंग वो होगा। तीसरा है कि जो टेक्नोलॉजी पे हम लोग थोड़ा बहुत ज्यादा बहस करते रहते हैं, मेरे तो ये मानना है कि अपने को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है हिंदुस्तान के अंदर तो सारी टेक्नोलॉजी जो है जो ऑगमेंट कर सकती है प्रोडक्शन को उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही क्यों ना हो। और लास्टली चौथा मैं एक और बोलूंगा, आपने तीन मांगे तो मैं एक चौथा भी पिछले देता हूं, उसमें मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूंगा कि इन दिनों में उन लोगों ने कोई भी इतने बाजार ऊंचे होने के बावजूद भी एडिबल ऑयल की ड्यूटीज नहीं बढ़ाई जी। मैं यही चाहूंगा कि वो एडिबल ऑयल ड्यूटीज को जो है वो रखें और उसको घटने ना दें, सॉरी मैंने बढ़ाया बोला घटाने के ऊपर मैं गलत बोल जाता, तो वो ड्यूटीज ना घटाएं बिकॉज तभी अपना ऑयल सीड फार्मर जो है ना वो सफिशियंटली एन्थ्यूज्ड रहेगा ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। डन, ये हम लोगों की विश लिस्ट है जी। मैंने आपसे तीन मांगी थी अतुल जी, लेकिन क्लियरली आपकी पांच छह हैं, तो लंबी लिस्ट यहाँ पर एडिबल ऑयल सेक्टर की तरफ से भी आती हुई, ऑफकोर्स काफी एक्सपेक्टेशंस है और इस सेक्टर को जरूरत है कि मिनिस्ट्री इसको एड्रेस भी करे। अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, सुनील आपका भी, लेकिन इस वक्त इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।